फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कितने प्रोटेस्ट, भूख हड़ताल, हंगर स्ट्राइक पे भी लोग बैठे, लेकिन ये गुंगी बहरी सरकार, एलजी प्रशासन इनके कान में जूं तक नहीं रेंग रही। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आखिर बच्चे मांग क्या रहे हैं? ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे मुन्ने बच्चे क्या मांग रहे हैं? आप बात करते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये बेटी पढ़ा रहे हैं आप? यूकेजी में 96-97% मार्क्स लेकर भी बच्चे पास करके भी फर्स्ट में एडमिशन नहीं दी जा रही। एजुकेशन पॉलिसी का हमने हजार बार बोल दिया कि हमने वेलकम किया, पूरे देश ने वेलकम किया, लेकिन एजुकेशन पॉलिसी को सही तरह तरीका होता है, तरीकाकार होता है, उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है और कैसे नहीं करना। मैं एलजी साहब को पूछना चाहता हूं, क्या गोवा के लोग अलग हैं? क्या हरियाणा के लोग अलग हैं? मेरठ के लोग अलग हैं? केरला के लोग अलग हैं? जब वो लोग इस चीज को समझ सकते हैं, अपने देश के, अपने स्टेट के बच्चों को संभाल रख सकते हैं, तो एलजी साहब आप हमारे जम्मू कश्मीर के एलजी हैं। जम्मू कश्मीर के बच्चों के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, जम्मू कश्मीर के बच्चों के साथ इंसाफ आपने करना है। जिस तरह गोवा में पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई है, उसी तरह जम्मू कश्मीर में की जाए, और यूकेजी क्लास में जो 5 बच्चे पास हुए हैं, उन्होंने उनको फर्स्ट क्लास में एडमिशन दी जाए, चाहे वो 5 साल के हैं, चाहे वो 5.5 साल के हैं। आप एक तरीके से इंप्लीमेंट कीजिए, फर्स्ट क्लास वाली जो पॉलिसी है उसको 2026 में इंप्लीमेंट कीजिए, और नर्सरी का तो आपने 3 साल का क्राइटेरिया लास्ट ईयर इंप्लीमेंट कर दिया, ताकि जो इनरोल में बच्चे हैं उनको परेशानी ना आए। एलजी साहब बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। एलजी साहब बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करना बंद करो।